केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आरा के सांसद राजकुमार सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर आरा पहुंचे, जहां कई गांव का दौरा करने के बाद अगवा स्वर्ण व्यवसायी हरिजी गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनको हर संभव मदद देने की बात कही। बताते चले कि दो दिन पहले आरा शहर के चर्चित और बड़े सराफा कारोबारी हरिजी गुप्ता का अपहरण कर लिया गया है और पुलिस से परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं भोजपुर के एसपी ने एक विशेष टीम का गठन किया है और इसको लेकर पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन अभी भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नहीं, ये बहुत गंभीर घटना है, लेकिन ये बात सही नहीं कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। दो लड़के पकड़ाए हैं, जिस गाड़ी से अपहरण किया गया वो गाड़ी का की बरामदगी हो गई है। जो अपहरण करता है उनके पीछे पुलिस लगी हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी पकड़ाएगा और हरी जी भी रिकवर होकर के वापस आएंगे। सर, बिहार में बढ़ते अपराध, लगातार अपराध। चंदन फोन लाइन पर है। चंदन, स्वर्ण व्यवसायी का अपहरण किया गया है, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, वहीं नेता भी पहुंचे, क्या कुछ पूरी जो जानकारी है वो मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 48 घंटे के करीब करीब बीत चुके हैं और अभी तक जो अपहरित स्वर्ण व्यवसायी है हरिजी गुप्ता, उनका सुराग नहीं मिल पाया है। कल देर रात जो केंद्रीय मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, आरा के सांसद राजकुमार सिंह, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं अगर व्यवसायी की बात करें तो अभी तक उनका सुराग नहीं मिलने से जो अन्य सराफा व्यवसायी है, जो शहर के बड़े व्यवसायी है, उन लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है और आज एक बड़ी बैठक होने वाली है व्यवसायियों की आरा के गोपाली चौक पर और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। लेकिन अगर व्यवसायी की बात करें तो उसमें कुछ अहम कुरू हाथ लगे हैं। भोजपुर पुलिस के बिहार से लेकर यूपी तक छापेमारी जारी है, तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। वहीं जो कार अपहरण में प्रयुक्त की गई है, उस कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं बक्सर में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, पुलिस की तरफ से एक बड़ी विशेष करारत करके टीम को गठित किया गया है और पूरे मामले की खुद जो भोजपुर के एसपी संजय कुमार सिंह मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो सहायक जो पुलिस अधीक्षक है हिमांशु, उनके नेतृत्व में टीम लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं आरके सिंह ने भी प्रशासन से ऊपर भरोसा जताया है और उम्मीद जताई है कि जो व्यापारी है वो जल्द वापस आ जाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंदन आपका।